Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss another chapter of marketing, which is products, services and brands or building customer value. अब हमें building customer value यहाँ पे देखना है किस with the help of products, services and brands. This is chapter 8 of Philip Kotler की जो book है उस principles of marketing हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, marketing के काफ़ी सारे videos already upload कर चुका हूँ मैं, तो सारी आप देख चुके हैं, जाके देख सकते हैं principles of marketing. अच्छा, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर प्रोडक्ट सर्विसेज ब्रांड्स के बारे में पढ़ते हैं. प्रोडक्ट क्या होता है, हम सबको पता है, सिंपल, एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू द मार्केट. ठीक है, फॉर अटेंशन एक्विजिशन यूज और कंजम्पशन दैट माइट सेटिस्फाई अ वांट और नीड को सेटिस्फाई करते हैं. हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें कि सेटिस्फाई वांट और नीड को कोई भी प्रोडक्ट कोई भी चीज़ सेटिस्फाई करेगा वो प्रोडक्ट होगा. ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं. प्रोडक्ट बेसिकली सारे टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं, उसके अंदर सर्विसेज, इवेंट्स, पर्सन, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियाज भी हो सकते हैं, सबका मिक्सचर भी हो सकता है. सर्विसेज क्या है, सिंपल सर्विसेज क्या है, एनी एक्टिविटी या बेनिफिट और सेटिस्फेक्शन ऑफर्ड फॉर सेल दैट इज एसेंशियली इनटेंजिबल एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग. इसके अंदर बेसिकली हम इनटेंजिबल थिंग्स को ऑफर करते हैं, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी बेनिफिट, कोई भी सेटिस्फेक्शन देते हैं इन ऑर्डर टू अटेन, इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट प्रॉफिट फ्रॉम द कस्टमर, इन ऑर्डर टू डू अ सेल्स एंड जनरेट प्रॉफिट्स. जिसका बेसिक उसकी जो दो फीचर्स हैं वो ये कि वो इंटेंजिबल होती है और डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग. उसकी ओनरशिप कोई नहीं दे सकते हम, कोई उसको प्रोडक्ट किसी की चीज़ को किसी को ऑनर को बना नहीं सकते कि भाई आप इस चीज़ के ऑनर हैं. तो सर्विसेज इंक्लूड होटल सर्विसेज होती हैं, शूज सर्विस जो आप देते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जॉब और ये सारी चीज़ें, इस तरीके से एयर ट्रैवल हो गया, मोबाइल फ़ोन की सर्विसेज होती हैं, तो ये सारी सर्विस के अंदर आती है. अच्छा, अब हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट की. ना करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, इंटेंडेड फॉर द कस्टमर्स, कस्टमर्स के लिए बनाई जाती है. ठीक है, यू मे प्रोड्यूस फॉर योर ओन यूज और इक्विपमेंट. प्रोडक्ट्स आर टिपिकली क्रिएटेड विद द इंटेंट टू बीइंग सोल्ड. हमें सेल करने के लिए प्रोडक्ट्स को क्रिएट करते हैं कंज्यूमर्स बाय समवन एल्स, वेदर देन इज इंडिविजुअल कस्टमर और बिजनेस. कोई कस्टमर इंडिविजुअल कस्टमर के लिए भी बना सकते हैं और बिजनेस कस्टमर्स के लिए बना सकते हैं. इस चीज़ को भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में कि इंडिविजुअल कस्टमर्स की क्या स्ट्रेटजीज होती है, उनको कैसे डील करना होता है, बिजनेस कस्टमर्स को कैसे डील करना होता है, B2B B2C वाला जो सारी चीज़ें हैं. नेक्स्ट फीचर इज, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड benefits to the market. हमने we are intended to provide benefits, market को benefits देने के लिए करते हैं. identify a market need हम देखते हैं and meeting it can be challenging. उसको चैलेंज एक बेसिकली उस मार्केट नीड को मीट करना एक चैलेंज है. प्रोडक्ट शुड बी प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ एडवांटेजेस टू द यूजर्स. हम ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं जो कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बेनिफिट दे ही रहा होता है यूजर्स को, वरना तो यूजर कोई भी इसलिए नहीं खरीदेगा, तो बेनिफिट देता है मार्केट को. थर्ड फीचर इज, थर्ड करेक्टरिस्टिक्स इज एक्सचेंज फॉर द वैल्यू. उसकी कोई ना कोई एक्सचेंज वैल्यू होगी, जैसे कि कार्ल मार्क्स बताता है कमोडिटीज़ का पूरा कॉन्सेप्ट, एक्सचेंज वैल्यू का कॉन्सेप्ट, सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे सिंपल मार्केटिंग टर्म्स में सिर्फ ये समझ लें कि यहाँ पर एक एक्सचेंज वैल्यू होगी और विच कुड बी मनी, बार्टर ट्रेड भी होती है, चीज़ें भी होती हैं, लेकिन उसकी कोई ना कोई एक्सचेंज वैल्यू रखी होती है. इन सम केसेस प्रोडक्ट विल बी ऑफर्ड इन एक्सचेंज फॉर द फीडबैक, एक्सपोजर, ट्रेड और अदर फॉर्म ऑफ वैल्यू. ये भी सारी चीज़ों में भी एक्सचेंज हो सकती है. सिंपल प्रोडक्ट सर्विसेज एंड एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं. प्रोडक्ट्स आर की एलिमेंट टू द ओवरऑल मार्केट ऑफरिंग्स, ये तो हम देख चुके हैं. मार्केटिंग मिक्स प्लानिंग बिगिंस विद द बिल्डिंग एंड ऑफरिंग दैट ब्रिंग्स वैल्यू टू द टारगेट कस्टमर्स. दिस ऑफरिंग बिकम्स द बेसिस ऑन विच द कंपनी बिल्ड्स प्रॉफिटेबल. बेसिकली होता यह है कि मार्केटिंग प्लानिंग जो हम बेसिकली करते हैं ना, उसमें यह होता है कि हम कोई ना कोई ऑफर कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ, जिसमें कस्टमर्स को हम कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं. ठीक है, और वो भी हमारे स्पेसिफिक टारगेट कस्टमर्स होते हैं जिनसे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं. एक्सपीरियंस क्या होता है, एक्सपीरियंस जो कि हम देख रहे हैं जो कस्टमर परसीव करता है, जैसा उसका एक्सपीरियंस रहा होता है उस प्रोडक्ट से, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग नॉलेज और स्किल फ्रॉम डूइंग, सीइंग और फीलिंग. ये तो एग्जैक्टली मीनिंग हो गया ना, गेटिंग नॉलेज ऑफ स्किल और स्किल फ्रॉम डूइंग सिंग, ये तो एक्सपीरियंस की डेफिनेशन है. एक्सपीरियंस इज नॉलेज और स्किल इन अ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी. एक्सपीरियंस होता क्या, एक्सपीरियंस एक नॉलेज होती है जो या स्किल होता है कोई भी पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी को परफॉर्म करने से आता है. ठीक है, विच है यू हैव गेन्ड बिकॉज यू हैव डन दैट ऑब्जेक्ट. ये तो हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि फ्लाइट एक्सपीरियंसेस होती हैं, डिज्नी थीम पर कोई भी हमें कोई भी चीज़ को हम अवेल करते हैं, कुछ सर्विस को अवेल करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ उसका एक्सपीरियंस फील होता है. तो सिंपल ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये तो समझ आ गया. नेक्स्ट आ जाते हैं लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्ट्स के लेवल्स क्या होते हैं हम वो देखेंगे, सर्विसेज को किस तरीके से डेवलप किया जाता है या प्रोडक्ट्स के लेवल्स कौन कौन होते हैं. सबसे पहला लेवल 1 होता है, जिसके अंदर क्या होता है, डिफाइनिंग द कोर प्रॉब्लम सॉल्विंग बेनिफिट्स और सर्विसेज डेट कंज्यूमर सीक. हम कुछ ऐसी कोर प्रॉब्लम निकालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के लिए हम एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, सर्विस को लॉन्च करते हैं. सिंपल, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है आपका लेवल 2. लेवल 2 के अंदर यह होता है कि टर्न द कोर बेनिफिट इंटू एन एक्चुअल प्रॉफिट.
प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट के अंदर जो आप कोर आपने बेनिफिट ऑफर किया या सर्विस ऑफर किया, जो आपने मार्केट नीश या जो कोर प्रॉब्लम इशू आइडेंटिफाई किया उसको फिलफिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल प्रोडक्ट, ठीक है, उस एक्चुअल प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। नीड टू डेवलप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फीचर्स अ डिजाइन अ क्वालिटी लेवल अ ब्रांड नेम और पैकेजिंग, किसी भी ऐसी चीज को हम लॉन्च करते हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल दैट गैप। नेक्स्ट स्टेज इज बिल्ड एन ऑगमेंटेड प्रोडक्ट अराउंड द कोर बेनिफिट एंड एक्चुअल प्रोडक्ट, हम उसको एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं कॉस्ट बेनिफिट को एनालाइज करके, ठीक है, और बाय ऑफरिंग एडिशनल कस्टमर सर्विस उसके अंदर, फिर हम एडिशनल कस्टमर सर्विस ऐड करते हैं, उसको इन्हांस करते हैं, उसकी सारी पूरी स्टेजेस के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, अब इस तरीके से ये चार्ट देखें आप यहाँ पे, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कौन सा होता है, आफ्टर सेल सर्विसेज उसमें देते हैं, डिलीवरी कॉस्ट एंड क्रेडिट देखते हैं, और प्रोडक्ट सपोर्ट देखते हैं, और वारंटी वगैरह देखते हैं। एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होता है, एक्चुअल प्रोडक्ट में आप फीचर्स देखते हैं, डिजाइन देखते हैं, पैकेजिंग देखते हैं, क्वालिटी लेवल और ब्रांड नेम देखते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा ना कोर कस्टमर वैल्यू क्या होती है, उसके बेसिस पे फिर आप उसको एक एक्चुअल प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, और फिर वो एक्चुअल प्रोडक्ट को आप ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। दिस इज द बेसिक लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट साइकिल, जो आपके प्रोडक्ट है साइकिल तो हम वैसे पढ़ चुके हैं। अच्छा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। प्रोडक्ट अभी हमने ऊपर बेसिक चीज़ें देखी हैं जिसके अंदर हमने ओवरऑल पढ़ाया कि प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं, और एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, और हमने उसके लेवल्स देखे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी प्रोडक्ट टाइप्स और उसकी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, दो टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में क्या आता है, अ प्रोडक्ट बॉट बाय द फाइनल कस्टमर्स फॉर द पर्सनल कंजम्पशन। अब पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो भी प्रोडक्ट्स खरीदे जाएं उसको आप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। सिंपल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की जो फिर हम टाइप्स देखेंगे, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की टाइप्स के अंदर सबसे पहले कन्वीनियंस प्रोडक्ट आता है। कन्वीनियंस प्रोडक्ट क्या होता है, कस्टमर प्रोडक्ट डेट कस्टमर्स यूजली बाय फ्रीक्वेंटली इमीडिएटली एट विद अ मिनिमम कंपेरिजन एंड बाइंग एफर्ट, वो वाले प्रोडक्ट्स जो कि इजीली बंदा उसकी बेसिक मैं समझ लूँ यहाँ पे आप यूं समझ लें कि ये नेसेसिटी होती है, ये बंदा फ्रीक्वेंटली बाय करता है, इमीडिएट करता है, इस पर ज़्यादा रिसर्च कंपेयर वगैरह नहीं करता क्योंकि बेसिक ज़रूरत है, ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट है आपकी, जैसे कि आप पेट्रोल वगैरह हो गया, लॉन्ड्री डिटर्जेंट हो गया, तो बंदा कहता है यार ये ले बस, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट्स में क्या आता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट दैट द कस्टमर इन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड परचेजिंग यूजली कंपेयर्स ऑन सच एट्रीब्यूट्स एज सुटेबिलिटी, प्राइस, क्वालिटी एंड स्टाइल। शॉपिंग प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिसमें यूजली पर्सन्स, यूजली लोग जो कस्टमर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं किस ऑन द एट्रीब्यूट, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी, सुटेबिलिटी क्या है, प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, स्टाइल क्या है, ये सारी चीज़ें देख के फिर उसको चूज़ करते हैं और फिर उसको सेलेक्ट करते हैं बिफोर परचेजिंग वगैरह से पहले, ठीक है। क्लोथिंग आ गया, होटल सर्विसेज आ गया, और फर्नीचर भी इसी के अंदर आता है शॉपिंग प्रोडक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट विद यूनिक करेक्टरिस्टिक, जिनकी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती है ना, या ब्रांड आइडेंटिफिकेशन होती है, जैसे स्टेटस सिंबल्स होते हैं और इस तरह की जितनी चीजें होती हैं, वो क्या करते हैं, एक सिग्निफिकेंट ग्रुप ऑफ बायर्स होते हैं विलिंग टू मेक अ स्पेशल परचेज एफर्ट, वो स्पेशल परचेज किया जाता है, स्पेसिफिक कार्स ली जाती हैं, आईफोन वगैरह की एग्जांपल्स देते हैं, ब्रांड्स की क्लोथिंग्स जो भी होती है आपकी, ये सारी चीजें स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर आती हैं, मेडिकल एंड लीगल स्पेशलिस्ट। देन नेक्स्ट इज अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स आदि प्रोडक्ट्स जो कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसके अंदर कंज्यूमर आइदर डज नॉट नो अबाउट और नोज अबाउट दिस बट डज नॉट नॉर्मली कंसीडर बाइंग, या तो उसको पता होगा या नहीं पता होगा, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन वो उसको कंसीडर नहीं करता, मतलब नॉर्मली इस चीज़ को बाइंग कंसीडर करता ही नहीं है। मोस्ट मेजर न्यू इनोवेटर्स आर अनसॉर्ट अनटिल कंज्यूमर्स बिकम अवेयर ऑफ देम थ्रू मार्केटिंग। होता है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, न्यू इनोवेशंस होती हैं, लेकिन वो अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स होते हैं क्योंकि वो पता ही नहीं होते किसी को जब तक उनकी प्रॉपर मार्केटिंग ना की जाए। बाय देयर वायरी नेचर अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रमोटिंग, ऑब्वियसली प्रमोशन चाहिए होती है, उनको पर्सनल सेलिंग चाहिए होती है, और मार्केटिंग एफर्ट्स से हम उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं, और फिर उसको ग्रो करने में हम लेके जा सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस आ गए, ब्लड डोनेशन वगैरह, इनके प्रमोशन नहीं होते ना, ये अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, लोग इनकी तरफ फोकस नहीं करते, ठीक है। अब हम कंज्यूमर प्रोडक्ट का एक चार्ट देख रहे हैं जिसमें हम जो चीज़ पढ़ चुके हैं, सबसे पहले कन्वीनियंस प्रोडक्ट हमने देखा, फिर शॉपिंग प्रोडक्ट देखा, और स्पेशलिटी देखी, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये प्रोडक्ट की बेसिकली टाइप्स है जो कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की टाइप्स हैं। अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या देख रहे हैं हम, इसकी मार्केट कंसिडरेशन हम बेसिक इस चार्ट से सारा इसका एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सबसे पहले आ जाता है कस्टमर बाइंग बिहेवियर। कस्टमर बाइंग बिहेवियर किस तरह डिफाइन करते हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंट परचेज होती है, लिटिल प्लानिंग होती है, लिटिल कंपैरिजन होता है, शॉपिंग एफर्ट कम होती है, और हम ये देख रहे हैं कस्टमर इन्वॉल्वमेंट कम होती है। ये लोअर कस्टमर हम बाइंग बिहेवियर के अंदर पढ़ चुके हैं, ये जो हमारे कस्टमर बिहेवियर इन्वॉल्वमेंट और उसका एक ग्राफ हम वहाँ पे पढ़े थे, हम दोबारा उसको रिवाइज कर लेंगे किसी और वीडियो में। अच्छा, कन्वीनियंस प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें, कस्टमर बाइंग बिहेवियर इस तरह का होता है, शॉपिंग
कस्टमर जो शॉपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंट परचेज नहीं होती और प्लानिंग ज़्यादा की जाती है, एफर्ट्स शॉपिंग एफर्ट्स ज़्यादा की जाती है, कंपैरिजन भी बहुत ज़्यादा किया जाता है वेरियस ब्रांड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी प्राइस एंड स्टाइल। फिर आ जाते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में क्या आता है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड जो उसके बाइंग बिहेवियर होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंस किया जाता है, लॉयल्टी कस्टमर्स लेके जाते हैं, स्पेशलिटी पर्पस परचेज एफर्ट्स होती है, जैसे कि आईफोन वाले आईफोन ही लेते हैं, उनका पक्का है कि नया प्रोडक्ट आएगा तो वो खरीदेंगे खरीदेंगे। लिटिल कंपैरिजन ऑफ ब्रांड्स, लो प्राइस सेंसिटिविटी, प्राइस सेंसिटिविटी पर इतना फोकस नहीं किया जाता, कंपैरिजन भी नहीं किया जाता ज़्यादा, सिंपल जाके लॉयल ब्रांड स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंस की वजह से लॉयल कस्टमर्स अपना जाके प्रोडक्ट खरीद लेते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में। ये हम बाइंग बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल, पहला पॉइंट। फिर अनसॉल्व प्रोडक्ट्स में क्या होता है, सिंपल ऑब्वियसली लेटर प्रोडक्ट अवेयरनेस होती है, नॉलेज होती है, जिस वजह से नेगेटिव इंटरेस्ट होता है पीपल का और कम बाइंग होती है, ठीक है, बाइंग बिहेवियर नहीं अच्छा होता। फिर प्राइस पे आ जाते हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट की ऑब्वियसली लो प्राइस होती है, शॉपिंग प्रोडक्ट्स की हाई प्राइस होती है, इस पे सॉर्ट किया था। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स भी हाई प्राइस के होते हैं क्योंकि वो तो ब्रांड सारी उस चीज़ों पे आते हैं, और अनसॉल्व प्रोडक्ट्स अलग अलग किस्म के हो सकते हैं, कुछ महंगे होंगे कुछ सस्ते होंगे, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, कन्वीनियंस लोकेशन पर डालते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन, पोजिशनिंग उसकी अच्छी तरीके से करते हैं ताकि हर तरह का बंदा ले सके उसको। फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है शॉपिंग प्रोडक्ट्स की, वो सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फ्यूअर आउटलेट्स होते हैं और ब्रांड्स आप देख के चूज़ किया जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की बिल्कुल एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वन एंड ओनली फ्यू आउटलेट्स के, बहुत कम होते हैं, एक दो ही ब्रांड्स के आपके आउटलेट्स मिलते हैं आपको अलग अलग जगहों पर, वो स्पेसिफिक पोजिशनिंग करते हैं अपनी, और रन आउट का आपने पता वेरी होता है। प्रमोशन में क्या आता है, सबसे पहले कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स की मास प्रमोशन की जाती है, अनडिफ्रेंशिएटेड प्रमोशन जो हम पढ़ चुके हैं मार्केटिंग होती है वो की जाती है इसके लिए, और शॉपिंग के लिए क्या की जाती है, शॉपिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके लिए एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग बाय बोथ दी प्रोड्यूसर एंड सेलर्स, को पर्सनल सेलिंग की जाती है, प्रमोशन की जाती है दोनों साइड्स के ऊपर। फिर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में क्या होती है, बहुत टारगेटेड, यूँ समझ लें नीच मार्केट को टारगेट करता है, वो जो आपकी अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केट हम इसमें करते हैं, टेलर मेड मार्केटिंग करते हैं, केयरफुली टारगेटेड प्रमोशन बाय बोथ दी प्रोड्यूसर एंड केयरफुल, जो भी टारगेट हमारे लॉयल कस्टमर्स होते हैं हम उनको करते हैं। फिर अनसॉर्ट के अंदर आता है अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग होती है एंड पर्सनल सेलिंग बाय दी प्रोड्यूसर एंड, अब अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग इसलिए होती है ताकि हम इस अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स को भी इन किसी कैटेगरी में लेके आ सकें। फिर एग्जांपल्स देख लेते हैं, सबसे पहले कन्वीनियंस के अंदर टूथपेस्ट आ गया, मैगजीन, लॉन्ड्री डिटर्जेंट वगैरह आ गए, शॉपिंग प्रोडक्ट्स के अंदर अप्लायंसेज आ गई, आप जो कंपेयर करते हैं टेलीविजन, फर्नीचर, क्लोथिंग वगैरह, मेकअप, ये सारी चीज़ें आप इसमें से देखते हैं। फिर जो स्पेशलिटी वगैरह है प्रोडक्ट्स है उसके अंदर लग्जरी गुड्स आ जाती हैं, जिसमें वॉचेज आ गई, मतलब सारी उसमें आप अलग अलग तरह की देखते हैं, कार्ड्स, लग्जरी कार्ड्स वगैरह आ गई, जो एक्स्ट्रा जो भी लग्जरी आइटम्स हैं वो आप स्पेशलिटी ब्रांड्स की तरफ लेके चले जाते हैं उस चीज़ को। अनसॉर्ट के अंदर लाइफ इंश्योरेंस एंड रेड क्रॉस ब्लड डोनेशंस वगैरह की कैंपेन्स हो गई, वो सारी अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट जो हमने पढ़ा है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वी आर स्टडिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, पहले हमने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स देखे जो चार तरह के थे, उनकी स्ट्रेटजीज देखी, उनकी कंसिडरेशंस देखी, अब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स देख रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है, अ प्रोडक्ट बॉट बाय इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और फॉर यूज़ इन कंडक्टिंग अ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के लिए जो भी हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो उनका प्रोडक्ट्स होता है। जिस तरह के डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ फॉर विच द प्रोडक्ट इज परचेज्ड। अब जो पर्पस का डिफरेंस है ना वो ही डिफरेंशिएट करता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या है और कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या है। कंज्यूमर प्रोडक्ट पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा जाता है, उसका पर्पस ये होता है। द थ्री ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर मटीरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाइज। तो तीन इसके तरह के इंडस्ट्रियल के प्रोडक्ट्स होते हैं। ऊपर हमने चार तरह के कंज्यूमर देखे और तीन तरह के हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, सर्विसेज वगैरह। सबसे पहला मटेरियल एंड पार्ट्स आ गए। मटेरियल एंड पार्ट्स का क्या मतलब है, रॉ मटेरियल्स एज वेल एज मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स एंड पार्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं। रॉ मटेरियल्स में क्या क्या आता है, फार्म प्रोडक्ट्स, वीट, कॉटन, लाइफ स्टॉक, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स में फिश, लंबर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्रूड, पेट्रोलियम, आयरन वगैरह। मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स के अंदर क्या आता है, कंपोनेंट मटेरियल्स, जिसमें आयरन, यॉन्ट, सीमेंट, वायर्स वगैरह आती है, मतलब फाइनल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो होती हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर, और कंपोनेंट पार्ट्स वगैरह जिसके अंदर मोटर्स, टायर्स, कास्टिंग वगैरह आ जाती है। तो दिस इज पार्ट्स, मटेरियल एंड पार्ट्स टाइप्स, मटेरियल एंड पार्ट टाइप जो होती है उसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की। नेक्स्ट इज कैपिटल आइटम्स। कैपिटल आइटम्स के अंदर क्या क्या आता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स दैट एड इन द बायर्स प्रोडक्शन और ऑपरेशंस इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशंस एंड एसेसरीज, एसेसरी इक्विपमेंट, जिसके अंदर इंस्टॉलेशंस आ जाती हैं, एसेसरी इक्विपमेंट आ जाती है, सप्लाइज एंड सर्विसेज आ जाती हैं। इंस्टॉलेशंस क्या हैं, कंसिस्ट ऑफ मेजर परचेजेस, जिसके अंदर आपकी बिल्डिंग्स वगैरह आप परचेज करते हैं, फिक्स इक्विपमेंट जिसको आप फिक्स कॉस्ट वगैरह कहते हैं वो इसके अंदर आ जाती है। एसेसरी इक्विपमेंट में क्या आ जाता है, पोर्टेबल फैक्ट्री इक्विपमेंट आ जाता है, टूल्स वगैरह जो आप उसके अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करने के लिए जो चीज़ें परचेज करते हैं वो एसेसरी इक्विपमेंट्स होती है। सप्लाइज एंड सर्विसेज क्या होती है, जिसमें आप ऑपरेटिंग सप्लाइज, लुब्रिकेंट्स, ऑयल, पेपर, पेंसिल्स एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस के आइटम्स खरीदते हैं वो इसमें आ जाता है। इसी तरीके से
हमने कैपिटल आइटम्स देखा, और इसके अंदर ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल प्लेसेस आ जाती हैं, चीज़ें आ जाती हैं, फिर आइडियाज़ देखेंगे, और फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट्रीब्यूट्स को हम चेक करेंगे। अच्छा, अब दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे इसकी डिटेल, बेसिकली क्या है प्रोडक्ट सर्विसेज ब्रांड्स को हमने पढ़ा, प्रोडक्ट की टाइप्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की टाइप्स पढ़ी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की टाइप्स पढ़ी, और अब हम देखेंगे कि किस तरीके से कस्टमर वैल्यू को आप इसमें मतलब इंगेज करना है कस्टमर वैल्यू को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।